सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के कुछ फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पुराने पोल को लेकर, जब सवाल ये था कि क्या दोस्तों आप अपने एक स्पेशल कलर वाले फोन के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं, तो आप उसे बोला है 40% ने हाँ जी हाँ, तिजोरी खुली है, ले रहा हूं सारा खजाना, और बाकी बोलते हैं नहीं भाई, जब फोन रखना ही है केस के अंदर तो पैसा देके क्या फायदा। मतलब मेजोरिटी ने बोला है कि भैया पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। और ऐसे में दोस्तों भी आज का सवाल ये है कि आपके फोन की जो रिंगटोन है, क्या आप एक स्पेसिफिक रिंगटोन उसको आप डाउनलोड करके हर बार अपने नए नए फोन्स में यूज करते हैं, या फिर जो फोन में आ जाते हैं भैया प्री इंस्टॉल्ड उसी में से किसी को यूज कर लेते हैं। दोस्तों बताना जरूर क्या है आपके मन की बात कमेंट सेक्शन में जाके पोल ऑप्शन पे, और ऐसे में हमेशा हर बार की तरह वीडियो में अभी का अभी लाइक का बटन बस दबा ही दीजिए और नीचे कमेंट करके थोड़ा सा प्यार को और अच्छे से फैला भी दीजिए। दोस्तों बात करते हैं पहले बिल्ड को लेके, निकल के आता है यहाँ पे भैया विंडोज 11 को लेके, और ये दोस्तों भैया जल्दी आने वाली है, अभी ऐसे में लीक हो गए हैं जगह जगह पे इसके कुछ प्री ऑर्डर्स वाला दोस्तों सील और कुछ और बातें। अब देखते हैं एग्जैक्टली कि विंडोज 11 जो है वो कब आती है और क्या कुछ नए फीचर्स लेके आती है। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में सैमसंग की तरफ से, यहाँ पे सैमसंग ने पेटेंट किए हैं यूनिक स्मार्टफोन डिजाइन, जहाँ पे मल्टीपल कैमराज है भैया 5 और 6, और मतलब ऐसे टिल्ट वाले कैमरे, तो नहीं मतलब क्या क्या कैमरास। अब सो क्या लगता है आपको, इतने सारे कैमरा वाला फोन अगर सैमसंग लाके दे दे तो भैया कैसे हम फोटो खींचेंगे। काफी सही चीज लग रही है वैसे, मतलब मजा सा आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके, निकल के आता है Redmi K40 को लेके, ये लगता है कि दोस्तों जल्दी लॉन्च हो सकता है, जहाँ पे 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग होगी, 5G कनेक्टिविटी वगैरह भी होगी। अभी ऐसे में फिर कहीं ये तो नहीं होगा पोको X3 और X3 प्रो, और मतलब एग्जैक्टली क्या करता है Redmi इसी नए K40 के साथ में। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास फ्लिपकार्ट की तरफ से, फ्लिपकार्ट जो है वो वारंटी असिस्टेंट लेके आ गया है मोबाइल्स के लिए, जहाँ पे दोस्तों कीमत है सिर्फ 99 रुपए। ऐसे में काफी आपको शायद सहूलियत मिल जाएगी कि भैया मोबाइल फोन की वारंटी वगैरह जो भी आपके इशूज होते हैं अगर आप खरीदते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो काफी थोड़ा टेंशन फ्री आप एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट आता है हमारे पास में एप्पल की तरफ से, जहाँ पे एप्पल ने पेटेंट किया एक ऐसी नई ग्लास टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपके आईफोन का जो स्क्रीन है वो मतलब ऐसा अगर आईफोन हो तो गिरेगा तो भी दोस्तों काफी मजबूती से रहेगा, तो ऐसे मतलब काफी सही चीज है। अब देखते हैं एग्जैक्टली कितनी मजबूती आती है इसी नए टेक्नोलॉजी के साथ में। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है हमारे से मोटोरोला 1 Fusion Plus को लेके, इंडिया भैया इस फोन को दोस्तों लॉन्च कर दिया है बहुत ही बेहतरीन कीमत के साथ में, जहाँ पे कीमत है 16,999 रुपए। अभी ऐसे में 6GB रैम, 128GB स्टोरेज है, 5000mAh की बैटरी है, 64 MP दोस्तों यहाँ पे क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, और साथ में मिल जाता है कंप्लीटली एंड टू एंड बेजललेस डिस्प्ले। तो काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों ऑप्शन है अभी इस फोन में, अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि ये जो फोन है मतलब कैसा परफॉर्म करता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे में इसकी वीडियो आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी अगले 2 दिनों में। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में Redmi की तरफ से, भैया लैपटॉप जो है वो 20,000 के नीचे आने वाले दोस्तों, लगता है कि बहुत जल्दी आ सकते हैं भैया इंडिया में Redmi के लैपटॉप 20,000 से कम की कीमत में, तो यार ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अभी ऐसे में मी नोटबुक जो है उसका खैर मैं अनबॉक्सिंग अब जाके आपके लिए शायद रिकॉर्ड करके दूंगा, बिकॉज बीच में मौका मिल नहीं पाया, बैक टू बैक भैया अलग अलग वीडियोस आपको देता रहा, तो वो थोड़ा सा कुछ लोगों ने बोला कि कीमत ज्यादा है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी कीमत में नहीं लेके आया Xiaomi, तो Redmi शायद आ जाएगा 20,000 रुपए में लैपटॉप लेके, तो क्या आप उसको लेंगे कि नहीं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एप्पल की तरफ से, भैया एप्पल का एक एयरपॉड्स बात करते करते फट गया दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया एक्सप्लोड, ऐसे में हालत दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि क्या हुई है इसी एयरपॉड की। अभी ये चाइना में सीन हुआ है, तो हालांकि बिल तो है, लेकिन अब ये माल भी असली था कि नकली था उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि एप्पल ने इसको लिया है अपने पोजिशन में, और भैया एप्पल अपनी थोड़ी जो है वो करेगा इसके ऊपर रिसर्च, तो हमको मालूम चलेगा कि आखिर असली कारण क्या था इसी एयरपॉड के फटने का। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एंड्रॉइड 11 को लेकर, जहाँ पे भैया इसमें एक ऐसा हिडन रिसाइकल बिन होगा, जो आप अगर कुछ फोटो वोटो डिलीट भी करते उसके बाद में मतलब आप रिकवर वगैरह वहां से कर पाएंगे, तो मतलब थोड़ी सही बात है, काफी आसानी से जाएंगे, मतलब थोड़ा छुपा के रखी हुई चीज होगी साइड में, तो देखो एग्जैक्टली क्या होता है। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट आता है हमारे पास में पोको की तरफ से, भैया पोको इंडिया में एक नया फोन दोस्तों लेके आने वाला है लेस देन 1 मंथ में, मतलब बस 20-25 दिनों में दोस्तों को मिल जाएगा पोको की तरफ से एक नया ब्रांड न्यू फोन। ऐसे में दोस्तों ये स्टेटमेंट आया है पोको के GMC मनमोहन की तरफ से, तो अभी देखते हैं एग्जैक्टली ये फोन कौन सा होता है, कैसा होता है, कब आता है, किस कीमत पे आता है, क्या लेके आता है, और हमारी जेब से कितना
कितना पैसा लेके जाता है। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है भैया ऐसे में हैकर्स की तरफ से कि मतलब ये दूर बैठे 25 मीटर दूर के दोस्तों डिस्टेंस से भी अगर कहीं दोस्तों कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही है और ऐसे में उनके ऊपर अगर एक लाइट बल्ब भैया लटका हुआ है तो वो दोस्तों कुछ मतलब ऐसा लगा के स्पेशल ट्रिक की जो बल्ब लाइट की फ्रिक्वेंसी बदल रही है आवाज के साथ साथ और मतलब उसको डिकोड वगैरह करते हुए वो ऑडियो को सुन सकते हैं। मतलब बोलते हैं दीवारों के कान होते हैं, बोलना पड़ेगा बिजली के बल्ब के भी कान होते हैं, तो मतलब अंधेरे में बातें करें तो बचे रहेंगे वरना बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है उसमें Asus के ROG Phone 3 को लेके, ये दोस्तों लीक हुआ है, डिनर सर्टिफिकेशन है, मालूम चलता है इसके अंदर भी होने वाली है 16 GB की रैम और साथ में दोस्तों होगी 6000 mAh की बैटरी, मतलब भयंकर भरपूर पावर मिलने वाले दोस्तों हमको इसी Asus ROG Phone 3 में। मैं इसका वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आ जाऊंगा जैसे भैया होता है फोन लॉन्च, आप देखेंगे इस फोन के अंदर क्या क्या हमको मिलने वाला है, बस अब देखना ये है ये कब एग्जैक्टली लॉन्च होता है, क्या एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस को साथ में लेके आता हुआ। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Sennheiser के Momentum True Wireless 2 ईयरफोन्स को लेके, ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च कर दिया Sennheiser ने, जहाँ पे कीमत है 24,990 रुपए। अभी ऐसे में आते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में, लेकिन भैया फिर इस कीमत पे कोई एयरपॉड्स प्रो ले या फिर ये ले, मतलब पैसे का भी झंझट सा है, आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे दोस्तों अगली खबर निकल के आती है हमारे पास में इसको लेके, और यहाँ पे दोस्तों नोकिया 5310 जो है वो नोकिया ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है, कीमत रखी है 3,399 रुपए इसी फोन के लिए। मतलब फोन काफी अच्छा है, वो टू टू आपको आवाज भी आएगी और गाने भी सुन लो और बटन भी है और मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं भी है। मैंने इसका वीडियो बनाया है जहाँ पे आप में से भैया बहुत लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है, 8 MB रैम के साथ में आता है ये फोन और ऐसे ऐसे तो कुछ 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 नहीं होगा इस फोन का, फिलहाल इंडिया में आ चुका है। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Realme X3 को लेके, भैया Realme टीज किए जा रहे हैं कि X3 आने वाला है। मैं कहता हूँ आने दो भैया जल्दी आ जाओ। तो अभी ऐसे में देखते हैं एग्जैक्टली कि जो X3 है ये लॉन्च कब होता है और इसके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या होती है। वैसे Realme और बहुत कुछ लॉन्च करने वाला है, आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस तक एक के बाद एक मिलती रहेंगी। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में सोनी के प्लेस्टेशन 5 को लेके, यहाँ पर दोस्तों इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एकदम रीडिजाइन के साथ में आएगा, जहां पे इसको बोलते हैं कि भैया काफी सटल होगा, फ्लैशी इतना नहीं होगा, मतलब काफी एकदम अच्छा सा इसका इंटरफेस होगा। फिर हम बोलेंगे भैया हमको तो फर्क नहीं पड़ता इंटरफेस कैसा भी है, हमको तो कंसोल पसंद आ गया, बस जल्दी से लाके दे दो हमारे पास, हम गेम वेम खेल ले कुछ और आपके लिए थोड़ा सा वीडियो भी बना के दे ही दे दोस्तों। बस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।